राज्य बाहर फसी रही ओडिया फेर आने को राज्य सरकार आरंभ करिसेंति ऑपरेशन शुभ यात्रा। एक क्रम में प्रवासी ओडिया को नहीं आज तीनोटि स्पेशल ट्रेन ओडिशा अभिमुखे आसुची। सेपटे प्रवासी फेरवा नहीं आज आंध्रप्रदेश और कर्णाटक मुख्यमंत्री कथा होती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किभली सुरक्षित भाव श्रमिकों फेर अणा से नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित आलोचना होती। आंध्रप्रदेश एवं कर्णाटक प्रवासी ओडिया को फेर आने लगी राज्य सरकार तत्परता। दुई राज्य मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कर्णाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एवं आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी नवीन आलोचना करिसेंति। एही समय रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित थे। दुई राज्य ओडिया को सुरक्षित भाव फेर आने लगी उद्यम कर रविवार एक स्वतंत्र ट्रेन में बेंगलुरु फेरिबे ओडिया श्रमिक। आंध्र में रही ओडिया श्रमिकों सहायता जगनमोहन को प्रशंसा करिसेंति नवीन। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाडु मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे प्रवासी ओडिया को फेर आने आलोचना कर सारी। थैंक यू येदियुरप्पा जी फॉर लुकिंग आफ्टर द पीपल ऑफ ओडिशा हु आर इन कर्नाटका। आई एम ग्लैड दैट यू आर फैसिलिटेटिंग द डिपार्चर ऑफ दोज हु वांट टू कम बैक टू भुवनेश्वर टू कम बैक टू ओडिशा। आई रिक्वेस्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी टू प्लीज हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग the return to Odisha. Sir, you have appointed a nodal officer to facilitate the movement of migrant workers, sir. Sir, if you have any specific issue, tell me, I will resolve them. And more than 50,000 Odisha people are here. And we have already started industry work and other things. Those who want to work here only, they let them stay here. Those who want to, particularly want to go back to Odisha, for them we will do the needful and from tomorrow they can start going to Odisha, sir. To the extent of these people, we will make all the required arrangements to see them off to Odisha. People will express their wanting to go back. The rest of them, we are trying to persuade them to stay back for their industry. But in spite of our persuasion, if they still want to go back to Odisha, प्रवासी मानक निज राज्य को फेर निम्ते स्वतंत्र ट्रेन चलाचल लगे केन्द्र सरकार अनुमति पर प्रवासी ओडिया मुहरें हस फुटी। प्रवासी ओडिया फेर नहीं ऑपरेशन शुभयात्रा आरंभ कर राज्य सरकार। एक क्रम में प्रवासी ओडिया को नहीं आज तीन स्पेशल ट्रेन ओडिशा अभिमुखे आसुची। दुईट ट्रेन गुजरात सूरत रु गोटे ट्रेन केरल एर्णाकुलम आसुची। केरल ट्रेन में 23 जिलार 1150 जन ओडिया आसुचार कंधमाल 382 केन्द्रापड़ 283 गंजामु 130 जन अच्छा। से हीपरी सूरत रु ब्रह्मपुर अभिमुखे आसुची दुईट ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन भाव एथे 1200 जन ओडिया आसुचार। यह ट्रेन को जगन्नाथपुर में अटकवा लगे राज्य सरकार रेलवाई को अनुरोध कर रेलवे सहित कथापर आम डिसाइड कलु ये पैसेंजर प्रोफाइल देखिए दुईटा जगार स्वागत करिवो। गोटे है जगन्नाथपुर जोटी है ब्रह्मपुर पाखे जोटी जितेक सदर्ण डिस्ट्रिक्ट आमर अच्छी से गंजाम ठू आरंभ करी मलकानगिरी जाए लोक अच्छा कंधमाल भी अच्छा समस्त से आम ओह्लैवाप व्यवस्था करूँ। तापर ट्रेन टी आस खोर्धा रोड को जोटी है जटणी जोटा जाचे जटणी ना खोर्धा रोड स्टेशन से अन्न मैने से ओब ये गत कालीर दृश्य। केरल जितेबले ओडिया मानक नहीं ट्रेन आसीला सेतेबले सेठारे ताली मारी स्थानीय लोके विदाय देते स्टेशन छाड़ पूर्व ट्रेन गुड़ी विशोधन कर प्रवासी जावासवाई विभिन्न राज्यर ओडिशा को ट्रेन चलाचल लगे नोडाल अफिसर भाव निजुक्त होती गृह विभाग प्रमुख सचिव संजीव चोप्रा। से ट्रेन चलाचल नहीं राज्यर नोडाल अफिसर भाव कार्य करेंगे। से हीपरी स्टेशन रे प्रवासी ओडिया माने पहुंचिबा परे सेमानकर किभली बंदोबस्त करा जिवो से बाबद रे जिला प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति करा जायछि। गुजरात रे सूरत शहर रे लक्ष लक्ष लोक फसि जायछन्दि सेमानकु नेबा पई
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ସୁରତ ସହରରୁ ଦୁଇଟି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଗୁଜରାତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦରଣୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ସେପାରେଟ୍ ସବୁ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରାଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ବସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ରେ ସେମାନେ ବସିକି ତା ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଶ୍ରମିକ ଓହ୍ଲାଇବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ ସହ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।